अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स में सबसे पास हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू। ऐसे नंबर्स जो जिनको आप टू पे डिवाइड कर सकते हो, उनको आप क्या कहते हो? इवन नंबर्स कहते हो, या सिंपली आप कह सकते हो कि मल्टीपल्स ऑफ टू। टू का टेबल आप जितना मर्जी चलाते जाओ, जो नंबर्स आएंगे दे आर ऑल कॉल्ड इवन नंबर्स। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है और आपको कहा जाता है कि आप बताओ कि ये इवन नंबर है या नहीं, तो आप उसका लास्ट नंबर देखो जो यूनिट्स प्लेस पे होता है। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वो इवन नंबर है, चाहे वो 9 डिजिट नंबर हो या जितना मर्जी डिजिट नंबर हो। तो इवन नंबर्स क्या हैं? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। लास्ट लाइन देखो, द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ई। तो इसको आप डिनोट कैसे करते हो? कैपिटल लेटर ई से। अगर आपको डेफिनेशन आती है इसकी, फॉर एग्जाम्पल पेपर में, आप सबसे पहले उसको डिफाइन करोगे, फिर आप लिखोगे कि आप इसको डिनोट करते हो कैपिटल लेटर ई से, और फिर नीचे एक एग्जाम्पल। प्लीज़ डेफिनेशन जब भी आए, इधर साइंस में आए चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट में आए, आपने उसके साथ एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट देखो, यू हैव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे? वो नंबर्स जो कि टू पे डिवाइड नहीं करते हैं, अदर देन इवन नंबर्स और कॉल्ड ऑड नंबर्स। लास्ट लाइन पे देखो, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ओ। कैपिटल लेटर ओ के साथ आप इसको डिनोट करते हो, और साथ ही उन्होंने इसकी एग्जाम्पल दे दी है। देन हमारे पास आता है प्राइम नंबर, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ऑड और प्राइम नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ के अंदर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर मींस ऐसे नंबर्स जो वन के अलावा सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। जैसे टू है, वो सिर्फ वन के टेबल पे जाता है और फिर टू पे जाता है। थ्री है, वो वन के टेबल में जाता है एंड देन अपने टेबल में जाता है। फोर जो है, अब वो टू के टेबल में भी चला जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरह से फाइव वन के अलावा सिर्फ अपने टेबल पर जाता है। सेवन वन के अलावा सिर्फ अपने टेबल पर जाता है। तो दीज आर ऑल कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, कौन कौन से? वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर पी से, और नीचे उन्होंने इसकी एग्जांपल दे दी है। द नंबर टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है, ये आपसे एमसीक्यू वाइज आपको आना चाहिए कि कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, तो टू एक वाहिद ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर्स में भी आता है। अदरवाइज प्राइम नंबर्स में ऑड नंबर्स आते हैं। देन लास्ट इज़ द कंपोजिट नंबर। तो अदर देन जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसको आप कंपोजिट नंबर कहते हो। तो अ नंबर हैविंग फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। वन और उसके अलावा अगर किसी नंबर के फैक्टर्स हैं, जैसे फोर है, तो फोर के फैक्टर्स वन भी है, टू भी है और फोर भी है, थ्री हो गए ना, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। और इसको आप डिनोट कैसे करते हो? कैपिटल सी से, और नीचे उन्होंने उसकी एग्जांपल दे दी है। नोट एक बताया हुआ है कि नंबर वन जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसलिए हम उसको दोनों ही कैटेगरीज में नहीं लेकर आते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। जल्दी से जो जो मैंने बताया है उसको हाईलाइट कर लो अपनी बुक्स के ऊपर।